और अब डीएनए के अंत में आपके लिए काम की बात। आज के दौर में लोगों को ऐसा लगता है कि ईमानदार व्यक्ति कभी जीवन में सफल नहीं हो सकता, लेकिन सच ये है कि जीवन में तरक्की के लिए सच्ची लगन और काम के प्रति ईमानदारी बहुत जरूरी है। डीएससी शो में इस बार डॉक्टर सुभाष चंद्रा छात्रों को जीवन में ईमानदारी की अहमियत बताएंगे। आप इस शो के जरिए अपना जीवन बदल सकते हैं और इसीलिए आप दिन और समय नोट कर लीजिए। जब आपने जी चैनल शुरू किया, आपके एक शो में मैंने देखा कि आपने बताया कि जो शो की टीआरपी थी वो काफी कम हो गई थी एक टाइम पे, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली लगे रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी की हार तभी होती है जब आप हार मान लो। जितने बाजू उतने सर, सुन ले दुश्मन ध्यान से, हारेगा वो हर बाजी जो खेले हम जी जान से। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार रात 10 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ जी न्यूज पर। और अब आज के इतिहास पर नजर डालते हैं। आज 1950 में शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था। 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान शहीद हुए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के शौर्य को आज भी याद किया जाता है। 16 दिसंबर 1971 को अरुण खेत्रपाल एक स्क्वाड्रन की कमान संभाल रहे थे और अपने टैंक से वो दुश्मन के टैंक्स को लगातार बर्बाद कर रहे थे, और इसी दौरान उनका टैंक दुश्मन के निशाने पर आ गया और उसमें आग लग गई। तब उनके सीनियर ने उन्हें टैंक छोड़कर अलग हो जाने का आदेश दिया। दुश्मन की गोली उन्हें घायल कर चुकी थी, लेकिन अरुण खेत्रपाल को इस बात का एहसास था कि उनका डटे रहना दुश्मन को रोकने के लिए बहुत जरूरी है। वायरलेस सिस्टम पर अपने सीनियर के लिए उनके आखिरी शब्द सुनकर आपको उनकी हिम्मत और बहादुरी का एहसास होगा। उनका आखिरी संदेश था, नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। टैंक की गन अब भी काम कर रही है, मैं दुश्मन का सामना करूंगा। उन्होंने जिस आखिरी पाकिस्तानी टैंक पर गोलाबारी की थी वो उनसे सिर्फ 100 मीटर दूर था। अपने शौर्य के लिए सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था। 1884 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन को पेपर स्ट्रिप फोटोग्राफिक फिल्म का पेटेंट मिला था। इस खोज की वजह से बाद में दुनिया में कैमरे से तस्वीरें खींचना संभव हुआ था। जॉर्ज ईस्टमैन ईस्टमैन कोडेक कंपनी के संस्थापक थे और उन्हें फोटोग्राफिक रोल फिल्म को लोकप्रिय बनाने के लिए याद किया जाता है। इस आविष्कार ने ही आगे चलकर 1888 तक फिल्म्स यानी मोशन पिक्चर्स की नींव रखी थी। आपने कई पुरानी फिल्मों में ईस्टमैन कलर लिखा हुआ जरूर देखा होगा। ये फ्रेज जॉर्ज ईस्टमैन के नाम से ही जुड़ा हुआ था। 1964 में आज ही के दिन मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। उन्हें रंग भेद नीति के खिलाफ काम करने और अपने एक ऐतिहासिक भाषण के लिए याद किया जाता है, और उस भाषण का शीर्षक था आई हैव अ ड्रीम। 1968 में आज पहली बार इंसानों को लेकर गए किसी अंतरिक्ष यान से लाइव टेलीकास्ट किया गया था। नासा के अपोलो 7 अंतरिक्ष यान ने यह ऐतिहासिक काम किया था। 1926 में आज बच्चों की पसंदीदा किताब विनी द पू पहली बार प्रकाशित हुई थी। एक टेडी बेयर के काल्पनिक पात्र पर आधारित ये कहानियां आज भी बहुत लोकप्रिय हैं। और भारतीय संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1956 में आज ही के दिन बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागपुर में आयोजित समारोह में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ उनके करीब 5 लाख समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अम्बेडकर जाति पर आधारित समाज के विरोधी थे और उन्हें इस समस्या का इलाज बौद्ध धर्म में दिखाई दिया था।